अभी हम आए सुंदर नगर के लेक में। देखो सुंदर नगर का लेक, सुंदर नगर। आज का स्टे हमारा यहाँ पे लग्जरी रूम्स सुंदर नगर। सब यहाँ पे ब्रांडेड ही है पूरा, कुछ लोकल नहीं दिख रहा है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। बहुत ही अच्छी सिटी है ये, पेपे ब्लैकबर्न मोंटो कार्लो जो जिधर बड़े बड़े सिटीज में रहता वो यहाँ पे है। आज हमें जाना था मनाली, लेकिन लैंडस्लाइड्स की वजह से मनाली आज बंद है, तो हमारा स्टे आज है सुंदर नगर। कल सवेरे देखेंगे न्यूज़ को और बढ़ेंगे आगे। तो आज सुंदर नगर में अभी खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर को खाना नहीं खाए हम, तो लेट्स गो। तो सुंदर नगर में एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पे खाना और व्यू दोनों साथ में मिल सकता है। मतलब हम विरार से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा फूड अभी तक खाए नहीं, इसलिए स्पेशली व्लॉग यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ का फूड और यहाँ की रोटी बहुत अच्छी है, और स्टाफ और जो सपोर्ट है बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है एकदम यहाँ पे। और पीछे आप देख सकते हो मेरे, इतना प्यारा व्यू है, तो आपको तीनों चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। वेंडीज़ रेस्टोरेंट बार एंड लाउंज। अभी सुंदर नगर में सनसेट होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट कैसे दिखता है यहाँ पे। डे फोर एंड्स टुडे। हम मनाली जा नहीं पाए क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से सारे रास्ते बंद है, तो हम सुंदर नगर में रुके। तो अभी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारा, उसके बाद में सो जाएंगे, देखते हैं कल सवेरे क्या होता है। मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने थक गए हैं, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन इट्स टाइम टू स्लीप। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट, बिकॉज देर इज़ समवन वेटिंग फॉर यू एट योर होम। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर शोइंग मी लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं कल सवेरे डे 5। सो राइड सेफ। गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर सेफ वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। दिस इज अनुज बुंदे एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बाइक राइड डायरीज। लेट्स क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। आज की ब्यूटीफुल मेमोरी है हमारे होटल से व्यू, और बारिश तो कुछ रुक नहीं रही है। तो अभी बजे है 11, अभी हम नीचे जाके पूछेंगे कि मनाली का रोड चालू हुआ है कि नहीं। अगर चालू हुआ हो तो आगे जाएंगे, नहीं तो जाके कम से कम ये सुंदर नगर को एक्सप्लोर करके आएंगे बाइक पे, बारिश में ही, क्योंकि बारिश का महीना है, तो हमें बारिश से तकलीफ नहीं है, खाली लैंडस्लाइड्स ना हो और रोड बंद ना हो, बस ये एक तकलीफ है। चलो अभी नाश्ता करते, गरम गरम नाश्ता है हमारा, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आलू के गरम गरम पराठे आए, मस्त बटर लगा के, क्या ही बात है। तो बारिश में हम कुछ ऐसे दिखते हैं पूरे रेनकोट में, कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो अभी नीचे जाते और नाश्ता हो गया हमारा, तो नीचे जाके पूछ के आते कि मनाली का रूट चालू हुआ है कि नहीं। तो ये इनका कॉमन एरिया है और 5 रूम है ऊपर, तो नीचे जाते हैं अभी बाइक के पास। चल दन्नो। तो ओनर खुद यहीं पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे उनका शॉप है। अभी भी बारिश चालू ही है जैसे आप देख सकते हो, तो सोचा कि पूछ लेते, अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम बाइक वॉश करा के रख लेते, क्योंकि बाइक बहुत ही गंदी हो गई है। ऐसे तो गंदी होने वाली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिट्टी से चीज़ें जाम हो जाती है। तो इनका दुकान है, ये ओनर है। कुछ पूछे आप, कुछ मालूम पड़ा? सारे बंद है। अच्छा,
बंद है रास्ते अखबार में, बाइक बाइक जाने लायक भी नहीं है। कहाँ से जाना आपने, जब हार के पहाड़ है पत्थर है, आप पहुँच ही नहीं पाओगे बराबर, 1% नहीं पहुँच पाओगे आप। ठीक है तो ये हमारे होटल के ओनर है, बड़ा अच्छा होटल है, कर दिया है, आराम से सो यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसे हमारा दिन है आज का। अभी तक कोई अपडेट नहीं, कोई रास्ते खुले नहीं, तो हमारी बाइक यहाँ पे है। आ गए हम यहाँ पे लद्दाख ट्रिप पे, एडवेंचर ही एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ। कल के आपने वीडियो में देखा मेरा एक्सीलेटर केबल निकल गया था, पानी भरा हुआ था पूरे रोड पे, ऐसा सब था। कोई नहीं, ट्रिप पे निकलना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, बस बाइक अपनी होनी चाहिए, बाकी कोई भी बाइक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाइक अपनी होनी चाहिए। देखते हैं आगे जाके आते, बारिश तो कुछ रुकने का नाम ले रही है यहाँ पे। तो ये सुंदर नगर की गलियाँ है, बहुत ही अच्छी सिटी है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल है, सारे कपड़ों के ब्रांड, जूतों के ब्रांड, खाना पीना अच्छी है, और ठंडी बड़ी अच्छी है आज यहाँ पे, और साथ में बारिश भी है। तो हम सोचे कि क्राउंड मार के आते हैं आगे, देखते हैं कैसा है, क्योंकि कल शाम को घूम रहे थे तो अभी दिन का देख लेते, अब रुकना ही है, लेट जाना ही है, रास्ते खुले नहीं है, तो एक राउंड मार के आते हैं। बाकी बाइक ने अभी तक अच्छा सपोर्ट दिया है यहाँ पे, बाकी गाड़ी ने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है, खाली कल का वो केबल निकलते हुए, वो बोले कि वाइब्रेशन के वजह से केबल निकलता है, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, हम फंसे नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो बहुत ही अच्छी सिटी है ये, बाइक का बताए तो कैसा है, बाइक कोई भी रहे, बस ट्रिप पे निकलना है, जब भी मौका मिले निकल जाओ, बाकी कोई चिंता मत करो, क्योंकि गाड़ी अपनी है तो अपना सपोर्ट करेगी वो, क्योंकि हमने उनका ध्यान रखा है। और बहुत सेफ चलाओ, कोई घाई नहीं, भगा नहीं वगैरह, भगाना बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी को, डिसेंट मोड में कंट्रोल में गाड़ी चलाना है। तो अच्छी खासी ठंडी है, मेरे को फील हो रही है ठंडी। सुंदर नगर, द हार्ट ऑफ हिमालय, ये कल का लेक है जो हम देखने को आए थे। तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, जाते टाइम पे बस स्टॉप पे पूछे गए कि आगे रोड का क्या हाल है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर बता सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये होता है एडवेंचर बाहर निकलने के बाद, तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होता है, घाई और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती। देखो ब्रिज वगैरह भर गए पूरे, पूरा ही पानी से भर गया सब। अभी याद रहेगा कि फ्यूचर में जून में निकलना है, जुलाई में नहीं, लेकिन कैसा है नेचर का कोई भरोसा नहीं होता, जून हो या जुलाई हो, बारिश गिरनी है तो वो गिरनी है। यहाँ पे पूछते क्या है सीन है इधर का, तो अभी बस स्टॉप पे पूछताछ की मैंने, तो बहुत ही बैड न्यूज़ है कि आगे रोड ही नहीं बचे गाड़ी जाने के लिए, ऐसे वो बता रहे हैं, इतनी लैंडस्लाइड हुई है। तो अभी होटल में जाके हम डिसाइड करेंगे कि आगे जाने मिलेगा कि या रिटर्न जाए। देखो
लाइफ तो बहुत लंबी है, तो हम फिर से भी आ सकते हैं, लेकिन जान को जोखिम में नहीं डालना है। अगर ग्रीन सिग्नल मिला तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बैक टू मुंबई। आज डे फिफ्थ है यहाँ पे। हम यहाँ के सुंदरनगर के वेडिस रेस्टोरेंट एंड बार एंड लॉन्च में आए, तो ये जस्ट अभी ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ का फूड और यहाँ के एम्बियंस बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हम फिदा हो गए। अभी हम जा रहे हैं एकदम रूफ टॉप पे।